गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट रूमेटिक हर्ट डिजीज़ एंड रूमेटिक फीवर के बारे में। रूमेटिक हर्ट डिजीज़ क्या होती है, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि जो रूमेटिक हर्ट डिजीज़ है, ये कंडीशन होती है जिसमें परमानेंटली जो हर्ट के वॉल है वो रूमेटिक फीवर की वजह से परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। फिर रूमेटिक फीवर क्या होता है, रूमेटिक फीवर होता है, इट इज़ कंडीशन होती है जिसमें एक कंडीशन होती है जिसमें अनट्रीटेड अगर शॉर्ट थ्रोट को ट्रीट नहीं किया जाता है तो रूमेटिक फीवर हो जाता है। जैसे रूमेटिक फीवर मतलब अपने फोर टाइप के वॉल्स होते हैं, मिट्रल वॉल हो गया, जैसे मिट्रल वॉल को अपन बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, एओर्टिक वॉल होते हैं, पल्मोनरी वॉल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हर्ट डिजीज। एक्यूट रूमेटिक फीवर इट इज़ ए इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द हर्ट, पोटेंशियली इन्वॉल्व ऑल लेयर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। जैसे अपन देखा हर्ट की तीन लेयर होती है, जिसमें हर्ट की जो तीन लेयर होती है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से, रूमेटिक फीवर की वजह से। इसमें हर्ट रिजल्टिंग इसमें ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है टू इन्फेक्शन विद अ ग्रुप ऑफ स्टेप्टोकोकाई, जिसमें स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से ये जो ऑटो इम्यून रिएक्शन जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, जैसे इसमें अपन देखा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिजीज़ है तो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसमें अफेक्टेड होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मींस क्या होता है, जो हर्ट हुआ अपने CNS हुआ या ब्रेन हुआ, जॉइंट्स हुए, ब्लड वेसल्स हुई, नेफ्रॉन हुए, स्किन हुई, जैसे स्किन के अंदर अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो इसमें अफेक्टेड होते हैं। रूमेटिक हर्ट डिजीज़ है अ क्रोनिक कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रूमेटिक फीवर डेट इज़ करेक्टराइज बाई स्केरिंग एंड डिफॉर्मेटी ऑफ द हर्ट वॉल। जो हर्ट के वॉल होते हैं वो डिफेक्ट में मतलब डिफेक्ट हो जाते हैं उसमें। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंसीडेंस। जो एक्यूट रेनल फेलियर है वो मेनली डिजीज चिल्ड्रन में होती है 5 to 14 ईयर में। जो इसके इनिशियल एपिसोड है बिकम लेस कॉमन इन ओल्डर एडोल्सेंट एंड यंगर एडल्ट्स, रेयर द पर्सन एज ऑफ ग्रेटर देन 30 ईयर्स। There is a no clear gender association of acute renal failure and but rheumatic heart disease more commonly affected female, sometime up twice frequently as a male. जो इसके etiology का कारण कौन सा, जो bacteria होता है वो होता है group A beta hemolytic streptococcus। जो beta A hemolytic जो इसमें skeletal fever भी होता है, जो स्केलेटल फीवर है वो रूमेटिक फीवर की एक इनिशियल स्टेज है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो वो कंजेस्टिव हर्ट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अपने इसमें देखते हैं फीवर होता है पेशेंट को, रेडनेस होता है स्केलेटल फीवर के अंदर इसमें, और इसमें स्ट्रॉबेरी लाइक टंग हो जाती है मतलब। बिटवीन द परसिपिटेंट ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस द क्लिनिकल फीचर ऑफ रूमेटिक हर्ट फेलियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो कॉजेटिव एजेंट है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर उसको अनट्रीट स्ट्रेप थ्रोट को कहते हैं तो रूमेटिक फीवर होता है उससे। और फिर ऑल लेयर जो हर्ट की लेयर होती है मिट्रल वॉल एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो वेजिटेटिव फॉर्म में वो ग्रोथ करता रहता है, वेल्वुलर रिगर्जिटेशन एंड स्टेनोसिस होता है, फिर उससे जॉइंट पेन होते हैं और अदर मैनिफेस्टेशन होते हैं तो हर्ट फेल हो सकता है। जैसे अपने पैथोफिजियोलॉजी ग्रुप ए स्टेप फेरेंजियल इन्फेक्शन प्रोसी इनिशियल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्यूट रेनल फेलियर बाई द 2 to 6 week। जो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में स्टेप्टोकोकाई बैक्टीरिया फाइट करता है, जिसकी पैथोफिजियोलॉजी दीज एंटीबॉडीज क्रॉस रीड द ह्यूमन टिश्यू बिकॉज ऑफ द एंटीजन सिमिलरिटी बिटवीन स्टेप्टोकोकल कंपोनेंट एंड ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू मॉलिकुलर सिमिलर। फिर अपन देखते हैं इसमें इम्यूनो जो इम्यूनोग्लोबली मेडिकेटेड इन्फ्लामेटरी डैमेज है, इसमें ऑटो इम्यून डिजीज मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें ह्यूमन के जो टिश्यू होते हैं वो एंटीजेनिक सिमिलरिटी स्टेप्टोकोकर लाइक हार्ट हो गया, जॉइंट हो गया, ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू। फिर अपन इसके देखते हैं क्लिनिकल फीचर, क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे। पेशेंट को स्टेप्टोकोकस शॉर्ट थ्रोट होगा तो टेंडर लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड है वो टेंडर होगा, क्लोजर कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, स्केलेटल फीवर, रैशेज होते हैं बॉडी पर, रैशेज हो जाएंगे, टॉन्सिलर एक्जुडेट इन ओल्डर चिल्ड्रन, एब्डोमिनल पेन होगा, अगर कोल्ड स्टैंडर्ड है तो पॉजिटिव थ्रोट कल्चर अपन को करवाना चाहिए पेशेंट का।
जैसे इसमें डायग्राम में अपने को दिखाया गया है वाइट ड्रेन पैचेस दिख रहे हैं, जो टॉन्सिल है उसमें वाइट, जो आपकी सोलो एंड द शॉर्ट थ्रोट है, और उसमें से अपने को स्वैब लेके इसका सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना चाहिए। क्लस्टर ऑफ साइन एंड सिम्टम, अ ग्रुप ऑफ क्राइटेरिया डेवलप बाई टी एंड चौन फॉलोइंग अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन UTI विद गैसेस, साइलेंट पीरियड ऑफ 2 to 6 weeks, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, पैलर, मेलेज एंड फटीक। जॉन मेजर क्राइटेरिया, जॉन मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या होगा पेशेंट के अंदर, जॉन मेजर क्राइटेरिया के अंदर पेशेंट के अंदर अपने को इसको JONES जॉन्स नाम से जैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो जे मतलब होता है जॉइंट पेन होगा, जैसे को अपन अर्थलेजिया बोलते हैं, वो मतलब पेशेंट का जो हार्ट शेप है पेशेंट की, हार्ट ओ शेप का हो जाएगा, जिसको मायोसिन प्रोटीन अगर इसको इम्पेयर्ड इसमें होता है, जो एन मतलब जो नोड्यूल है वो सब क्यूटेनियस जो स्केलेटल मसल्स है उसमें एरिथ्रोसाइट, जो रेड ड्रेसेस है वो इतने होगा, और मेलेज होगा पेशेंट में, जो एस मतलब है से ड्रेन कोलेरा एंड कॉर्निया सब क्यूटेनियस नोड्यूल, इसमें जो ब्रेन की सेल है वो डैमेज हो जाएगी। माइनर मैनिफेस्टेशन क्या होगा, फीवर होगा, एपिटेक्सिस हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग, एलिवेटेड ESR, एलिवेटेड ESR क्यों होगी, उसमें जो स्ट्रेप्टोकोकाई RBC को ब्रेक डाउन करता है, इस वजह से ये एलिवेटेड ESR, अर्थलेजिया होगा, जॉइंट पेन होंगे पेशेंट को, और पेशेंट को अपने फीवर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं अपन पॉलीआर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन फीचर प्रेजेंट इन 90% ऑफ पेशेंट, जॉइंट इज अर्थराइटिक, बी इन्फ्लामेटेड, पेन, माइग्रेटरी, शॉर्ट ड्यूरेशन, यूजुअली 5 greater than 5 जॉइंट अफेक्टेड द मेनी लार्ज जॉइंट, नी हो गया, एंकल हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो एंड शोल्डर। सेकेंड देखते हैं कार्डाइटिस, हार्ट की मसल्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। अर्ली एंड मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशन एज पेरिकार्डाइटिस अकर इन 60 to 70% ऑफ केसेस, जो हार्ट में मर्मर साउंड आती है, कार्डियक एनलार्जमेंट और पेरिकार्डाइटिस, जो हार्ट की लेयर होती है पेरिकार्डियम उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। स्लो एंड सेंट को इसमें CNS मैनिफेस्टेशन करेक्टराइज बाई इन्वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, स्पेशली फॉर द फेस एंड लिम, कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द स्पीच एंड गेट, अरिदमिया, मार्जिनेटम होता है इसमें, जैसे ब्रेक पिंक, मैक्यूलर लीजन अकर मेनली ट्रंक एंड प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी, जैसे ये एग्जाम्पल डायग्राम में दिखाया है अपने को। सबक्यूटेनियस नोड्यूल होगा एसोसिएटेड विद सीवियर कार्डाइटिस करेक्टराइज बाई द फ्रम एंड स्मॉल हर्ट, पेनलेस स्वेलिंग, लोकेटेड ओवर एक्सट्रीम सरफेस एंड द जॉइंट एंड रिस्ट एंड एल्बो, सबक्यूटेनियस जैसे एग्जाम्पल डायग्राम में। जॉइंट जोन्स क्राइटेरिया, इसमें 2 major और 1 major एंड 2 minor, पल्स एविडेंस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इंडिकेट एक्यूट रीनल फेलियर, एविडेंस ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पॉजिटिव थ्रोट कल्चर एंड स्टेप फर्स्ट एंड एलिवेटेड एंड राइजिंग एंटीबॉडी टायर्ड रिसेंट स्कार। डायग्नोसिस अपन क्या करा सकते हैं मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया में, इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं वाल्वुलर इनसफिशेंसी या पेरिकार्डाइटिस, चेस्ट एक्स-रे कार्डियोमेगेली के लिए ECG करा सकते हैं, AV कंडक्शन डिले, जैसे डायग्राम दिखाया गया है कि ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द हर्ट लार्ज देन द डायमीटर ऑफ द हेमिथोरेक्स। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में अपन इराडिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई, सेकेंड स्टेप में अपन देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट जैसे एस्पिरिन हो गया, स्टीरॉयड हो गया, थर्ड में सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन के अंदर, फोर्थ वन स्टेप में देखते हैं अपने सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट अटैक। स्टेप सेकेंड एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट, इसमें क्लिनिकल कंडीशन अर्थराइटिस है, जिसमें ड्रग अपने एस्पिरिन प्रोवाइड करते हैं 70 to 100 mg पर kg पर डे, गिव एज 4 divided ड्रग डोज फॉर 6 weeks, अटेन अ बॉडी लेवल 20 to 30 mg पर DL, कार्डाइटिस कॉर्टिको स्टीरोइड 1 to 2 mg पर kg पर डे फॉर 4 to 6 weeks टू बी टेप्टेड ऑफ। स्टेप थर्ड सपोर्टिव मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन,
फर्स्ट ऑफ ऑल बेड रेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हर्स्ट फेलियर डिजिटलिस एंड डायूरेटिक्स देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कोलरा ऑफ हेलोपेरिडॉल राइजेपाम, रेस्ट ऑफ जॉइंट एंड सपोर्टिव स्प्लिंट के अंदर। फोर्थ स्टेप में अपने देखते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट अटैक जैसे बेंजीडाजेपिन पेनिसिलिन 1 to 200 इंटरनेशनल यूनिट एवरी 3 वीक इंट्रामस्कुलर, और अपने इसको पेनिसिलिन दे सकते हैं 250 mg ट्वाइस अ डे ओरली फॉर इंडिविजुअल एंड एलर्जिक ऑफ पेनिसिलिन एंड सल्फोनामाइड। एरिथ्रोमाइसिन अपन दे सकते हैं पेशेंट को 250 mg ट्वाइस अ डे ओरली। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट विद क्रिटिकल स्टेनोसिस मिट्रल वालोटोमी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस बैलून वालोप्लास्टी और मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट में भी इंडिकेटेड ड्यू टू हाई रेट ऑफ रिकरेंट सिम्टम आफ्टर एनुलोप्लास्टी और अदर रिपेयर प्रोसीजर। वाल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं इसमें, अपीयर टू बी प्रीफर्ड सर्जिकल एक्शन। मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन असेसमेंट देखेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन द जॉइंट, जो भी एक्यूट पेन हो रहा है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के द्वारा उसमें क्या इंटरवेंट कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर असेस करेंगे पेन ड्यूरेशन इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ पेन, कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन कराएंगे, प्रोवाइड डाइवोशनल थेरेपी मतलब उसको म्यूजिक या रिक्रिएशन जो भी उसको थेरेपी पेशेंट को कंफर्टेबल है वो उसको, और साइकोलॉजिकल पेशेंट को सपोर्ट देंगे। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज नीडेड, अगर जरूरत है तो पेशेंट को एनाल्जेसिक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया देंगे। सेकेंड वन देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट किसकी वजह से, रिलेटेड टू वाल्वुलर डिसफंक्शन और हार्ट फेलियर। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं इंटरवेंशन में, असेस द सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्लूडिंग डिमिनिश्ड क्वालिटी ऑफ पेरिफेरल पल्सेस कूल स्किन एंड एक्सट्रीमिटी इंक्रीज रेस्पिरेशन इंक्रीज हार्ट रेट नेक वेन डिस्टेंशन एंड प्रेशर ऑफ एडिमा, असेस हार्ट साउंड मॉनिटर इंटेक एंड आउटपुट, प्रोवाइड बेड रेस्ट कराएंगे पेशेंट को, अगर इंटेक एंड आउटपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे, जो पेशेंट का हार्ट साउंड उसको असेस करेंगे, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड एज प्रिस्क्राइब डॉक्टर द्वारा एडमिनिस्टर किया वो करेंगे, एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक टू रिड्यूस इन्फेक्शन, मतलब अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज लॉन्ग टर्म एज ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट का नॉलेज डेफिशिएट है तो उसका नॉलेज इंप्रूव करेंगे लॉन्ग टर्म। असेस द क्लाइंट लेवल ऑफ नॉलेज, असेस द क्लाइंट एबिलिटी टू लर्न एक्सप्लेन अबाउट डिजीज कंडीशन अबाउट प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक्स, क्लैरिफाई द क्लाइंट डाउट, उनका जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे पेशेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।